क्या कहा जाए, जितना बोलना था आम्रपाली के बारे में जितनी टेक्निकल बातें थी वो तो इन लोगों ने कर ली, बट हाँ ये कह सकते हो कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने मुझ पर डाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको निभा सकूँ। आम्रपाली इज अ सब्जेक्ट आई थिंक जो हर लड़की सोचती है शी कैन डेब्यू विथ, दिस इज माई ड्रीम कम ट्रू आई थिंक, बिकॉज ऐसी स्टोरी कभी कभार बनती है, अ प्लेस वेयर यू विल गेट टू सी शेड्स ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, प्राउडनेस, एंड आफ्टर एवरीथिंग सारी पावर सब कुछ मिलने के बाद वो छोड़ के बुद्धिज्म कैसे अपनाती है, दैट इन इटसेल्फ इज अ हिस्ट्री दैट एवरीबॉडी नोज। इस कैरेक्टर को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता बिकॉज जितना रिसर्च करे उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। आई बिलीव मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बेबी और अभिनय ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि मैं इस कैरेक्टर को निभा सकूँ, और कर्नल जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ब्लेसिंग अस एंड गिविंग योर ब्लेसिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड वी जस्ट होप दैट वी ब्रिंग इन व्हाट वी हैव फॉर यू पीपल, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है एंड आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ पीस एंड ह्यूमैनिटी स्टोरी दैट वी आर प्रमोटिंग, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लव एंड योर अफेक्शन एज यू शोन टुडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज दी आम्रपाली जी कांग्या। और अब फाइनली अतुल जी वक्त आ गया है आप भाई हमारे साथ यहाँ बेकार चेंजेस है, और मैं पूछना चाहूंगी यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दी आम्रपाली। यस, मेरे पास आए उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में कहा, इज वेरी पावरफुल, माय हस्बैंड इज विलेज जी कंपोज फ्रॉम आम्रपाली एंड हाउ शी हैज रिलेटेड विद आम्रपाली, so whole entire is very women empowerment mode and I'm very very happy part of this show, part of this film, and congratulate to everyone. Thank you. मैं ये चल रहा है मैं कैसे बात कर पाऊँगा, सॉरी आज जरा सार थ्रोट के कारण आई कांट टॉक, बट आई वुड लव टू एक्सटेंड माय विशेस, ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू आम्रपाली, द होल क्रू, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आई एम श्योर आई विल डू अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। कोई भी लड़की करना चाहेगी, ये स्टोरी ऐसी है जो जिसने भी सुना
ना उसने यही कहा काश ये रोल मेरे पास होता, तो मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि आई एम गेटिंग दिस रोल एंड सारा खेलती हूँ। बेसिकली आई एम अ लोकल मुंबईकर, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, मेरा घर है, मेरा लाइफ है, आई लव बीइंग हियर। बैकग्राउंड वाइज आई बिलोंग टू गुजराती फैमिली, तो मेरे मॉम डैड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आई डन माई ग्रेजुएशन इन आई टी ग्रेजुएट। उसके अलावा मैंने मिस इंडिया किया है, उसके बाद मेरी दो फिल्में करी है और फाइनली अब लैंडेड अब इनाम पर। ये पूरा क्लासिकल बैकग्राउंड पे है और नाउअडेज बैकग्राउंड क्लासिकल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमने इसके लिए रिलीजियसली बहुत क्लासिकल फॉर्म्स सीखा है, एक्टिवली क्लासेस अटेंड करी है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस रोल के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की उम्मीद है मुझ पर और मैं चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ तो विशाल को कॉल कर, विशाल को और नया सिंह को 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे। भेजना नया सिंह को क्या कैमरा पीछे देना भाई, मीडिया वाला कोई अंदर नहीं जाएगा क्या भाई, सीटी नहीं मारेगा, चल चल। अरे एक मिनट रुको ना, जाना नहीं, जाना नहीं, जितने हो जाना नहीं है भाई, देखा नहीं किसी जुम्मा वाला नहीं है।
उधर आ गए नेता उनसे हमारा दिया ही और अपने भाव में अपने अंदाज में कहीं कि अपने दिल टू डाउन एवरीबॉडी बिग हैंड फॉर दिस लेट चंदन कितना अच्छा मिल रहा है अच्छा मिल रहा है कितना बड़े मिल रहा है स्टिल बैठ जा स्टिल बैठ जा भाई तो कैमरा किससे आ गए किसका है वो भट 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 कंपनी अरे बैठ जाओ भट कंपनी अरे भाई स्टिल बैठ जाओ